अगर आप थक गए हैं लोगों की बातें सुन सुनकर और आप बैठे हैं अलग किसी कॉर्नर में हताश एकदम अकेले और सोच रहे हैं कि ऐसी दुनिया में किस पर करें यकीन, किस पर करें भरोसा, जबकि हर जगह आपसे धोखेबाज ही टकराते हैं, ऐसे लोगों के मन में क्या चल रहा है ये है समझना मुश्किल। तो आइए समझते हैं ऐसे कुछ चालाक और बुरे लोगों को जिनसे हमें हो जाना है सतर्क सावधान, इससे पहले कि काफ़ी देर हो जाए और हम अपना सब कुछ लुटा बैठे हैं। आइए दोस्तों शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। यदि कोई व्यक्ति आपसे बहुत अधिक प्यार कर रहा है या आपको डेली कॉल कर रहा है, आपकी हद से ज़्यादा तारीफें कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को ताड़ लेना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर केस आपको अखबारों में ऐसे ही मिल सकते हैं। जैसे कि आप आए दिन सुनते रहते हैं कि कैसे बच्चों के किडनैपर करते हैं, वह चॉकलेट और टॉफ़ी के बहाने बच्चों को बुलाते हैं और उनको किडनैप करके उनके परिवारों से फिरौती मांगते हैं। जो ज़्यादा प्यार का दिखावा कर रहा है, याद रखें वही आगे चलकर आपको धोखा देने वाला है, वही आपको परेशान करेगा, इसलिए उनकी चापलूसियों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। दोस्तों जीवन के हर दौर में आपको मतलबी इंसान बहुत मिल सकते हैं, ऐसे लोगों से आप सावधान रहें, क्योंकि ये लोग सिर्फ आपको अपने मतलब के लिए ही यूज़ करेंगे और एक बार जब आपसे उनका काम या मतलब निकल गया तो आपकी तरफ वो देखने वाले भी नहीं हैं। अब सवाल ये है कि आप कैसे पहचानें ऐसे लोगों को। देखिए हर आदमी किसी को भी बिना वजह या कारण के बात नहीं करता है, क्योंकि हर इंसान को किसी दूसरे इंसान की मदद लेनी ही पड़ती है। मैं इस बात को कह के आपके अंदर एक शक पैदा नहीं कर रहा कि अब से आप हर इंसान को एक शक की निगाह से देखें, हाँ लेकिन उस व्यक्ति को आप एक बार जांच लें, ये बार बार आपका इस्तेमाल किसी मतलब के लिए तो नहीं कर रहा है। क्या आप भी अपने काम उस व्यक्ति से आसानी से करवा लेते हैं? यदि नहीं करवा पाते तो समझ लीजिए कि कुछ दिन में वह आपको देखने वाला भी नहीं है, वो तब तक आपके साथ है जब तक उसका काम आपसे निकल रहा है। ऐसे लोगों से दोस्ती करने का कोई भी फायदा नहीं है। आपका कोई दोस्त या अजीज बहुत गुस्से वाला भी हो सकता है, कभी कभी हम गुस्सेल आदमी को समझने में चूक जाते हैं। मान लीजिए यदि आपका बच्चा रोड पर चल रहा है जहाँ पर काफ़ी ट्रैफिक है, आपने एक बार मना किया वो नहीं माना, दो बार मना किया, तीन बार मना किया, फिर भी वह अपने हट पे है और आपको दिख रहा है कि एक बड़ा ट्रक उसकी तरफ आ रहा है, तो यदि उस समय आपने प्यार दिखाया तो नतीजा कुछ और हो सकता है, लेकिन यदि आपने उसे झपट कर हटाया तो वह बच्चा सेफ रहेगा। तो ये समझना आपको ज़रूरी होगा कि आपका दोस्त किस वजह से आप पर गुस्सा हो रहा है। यदि वह किसी भली और अच्छी बात पर आप पर नाराज़ हो रहा है तो वह आपका वेल विशर यानी शुभचिंतक है, नहीं तो कोई गैर भी किसी बच्चे को रोड पर देखकर ये नहीं कहेगा कि बेल्टन बेटा बहुत अच्छी जगह पे खड़े हो, वो उसे डांटेगा और उस पर गुस्सा करेगा, यानी कि वो उसका बैल विसर है, शुभचिंतक है। अब इसके उल्टा अगर आपका दोस्त बिना वजह ही आप पर गुस्सा करता है या एक बहुत ही गुस्सेल स्वभाव का है तो ये भी एक हानिकारक है, ऐसे दोस्तों से भी ज़्यादा संपर्क ना रखें। आपके बहुत सारे दोस्त आपको इग्नोर करते हैं जैसे वो आपको जानते ही ना हो, तो ऐसे में आप क्या करें? देखिए दोस्तों ऐसे में आपको बिल्कुल भी बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि आप जितना सोचेंगे उतना आपको दुख होगा। आप अपने आप को ऐसा काबिल बना लीजिए कि इग्नोर करने वाला व्यक्ति आपको ढूंढने के लिए मजबूर हो जाए। ऐसा ना जाने कितनी महान हस्तियाँ हैं जिनका आपके और हमारी तरह एक्सपीरियंसेस हैं। आपको अपने जीवन में ऐसे बहुत सारे मिलेंगे जो कभी किसी की अच्छाई के लिए दो शब्द अपने मुंह से नहीं निकाल सकते, पर हाँ उनसे बुराई के लिए बोलो वह आप में हजारों कमियां निकाल सकते हैं। ऐसा करके वो बहुत खुश भी होंगे। देखो भाई आप ऐसे ह्यूमन बीइंग हैं जिसमें कुछ लोग अच्छाई देखते हैं और कुछ लोग बुराई। अब ये उनकी बात है कि वो किस नज़रिए से आपको देखते हैं। चलिए दोस्तों मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। एक शहर में बहुत ही ज्ञानी साधु आए हुए थे। बहुत से लोग परेशान दुखी उनके पास आने लगे। ऐसा ही एक दिन दुखी गरीब आदमी उनके पास आया और साधु से बोला, महाराज मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे ऊपर बहुत कर्जा है, मैं बहुत ही परेशान हूँ, मुझ पर कुछ उपकार करें। साधु ने उसको एक चमकीला नीले रंग का पत्थर दिया और कहा कि ये कीमती पत्थर है, जाओ जितनी कीमत लगवा सको लगवा लो। वो आदमी वहाँ से चला गया और उसे बेचने के लिए
अपनी जान पहचान वालों के पास गया। वो सबसे पहले एक फल विक्रेता के पास गया और पत्ते दिखाकर उसकी कीमत जाननी चाही। जो फल विक्रेता था उसने पूछा, मुझे लगता है ये नीला शीशा है, महात्मा ने तुम्हें इसलिए दे दिया। हाँ ये सुंदर है और चमकदार है, तुम मुझे दे दो, इसके मैं तुम्हें 1000 रुपये दे दूँगा। अब वो आदमी निराश होकर अपने एक और जानने वाले के पास में गया। वो आदमी था बर्तन बेचने वाला। उस आदमी ने उस पत्थर को उस बर्तन बेचने वाले को दिखाया और उससे उसकी कीमत जाननी चाहिए। बर्तनों का व्यापारी बोला, ये पत्थर कोई विशेष रत्न है, मैं इसके लिए तुम्हें 10000 रुपये दे दूँगा। वह आदमी सोचने लगा कि इसकी कीमत और भी अधिक होगी अगर मैं दूसरी जगह पर जाऊँ। अब उस आदमी ने इस पत्थर को अब एक सुनार को दिखाया। सुनार ने उस पत्थर को ध्यान से देखा और बोला, ये काफ़ी कीमती है, इसके लिए मैं तुम्हें 1,00,000 रुपये दे दूँगा। वो आदमी अब समझ गया था कि ये बहुत ही अमूल्य चीज़ है। उसने सोचा, क्यों ना मैं इसे हीरे के व्यापारी को दिखाऊं। ये सोचकर वह शहर के सबसे बड़े हीरे के व्यापारी के पास गया। उस हीरे के व्यापारी ने जब वो पत्थर देखा तो देखता रह गया। चौंकने वाले भाव उसके चेहरे पे दिखने लगे। उसने उस पत्थर को माथे से लगाया और पूछा, तुम ये कहाँ से लाए हो, ये तो अमूल्य है, यदि मैं अपनी पूरी संपत्ति बेच दूँ तो भी इसकी कीमत नहीं चुका सकता। अब इस कहानी से हम समझ सकते हैं कि कभी भी दूसरे के एक नेगेटिव कमेंट से अपने आप को कम मत आंकिए, क्योंकि जो जैसा व्यक्ति है वो वैसा ही आपको देखेगा। ये तो डिपेंड करता है कि वो व्यक्ति किस नज़रिए से आपको देख रहा है। यदि वो आप में कोई कमियां निकाल रहे हैं तो निकालने दो, इससे उनकी मानसिकता दिखाई देती है कि वह किस तरह के हैं। अच्छा, आप एक बात नोटिस करना, जो जिसका प्रोफेशन है वह व्यक्ति उस व्यक्ति में वही देखता है। देखिए, मैं इसे आसान लफ्जों में समझाता हूँ। जैसे कोई मोची, उसका काम जूतों से रिलेटेड है, वह ज़्यादातर आपके जूते देखेगा क्योंकि जूतों से रिलेटेड उसका प्रोफेशन है। कपड़े वाला आपके कपड़े बड़े गौर से देखेगा, घड़ी वाला घड़ी। कोई परचूनी वाला हमेशा आप पर नज़र रखेगा कि कहीं आप तेल चावल तो नहीं ले जा रहे किसी दूसरी दुकान से, क्यों, क्योंकि उसका वह प्रोफेशन है। ठीक उसी प्रकार आज बुराई करने वाला, नेगेटिव कमेंट करने वाला, उनका वह प्रोफेशन बन चुका है, वह उसी में खुश रहते हैं और उन्हें उसी में खुश रहने दीजिए। इससे कोई सरोकार नहीं कि लोग आप में क्या देखते हैं, मायने ये रखता है कि आप अपने आप में क्या देखते हैं। आप में से बहुत सारे लोग सेकी बगारना जानते होंगे। देखिए दोस्तों, आपकी मुलाकात कई ऐसे लोगों से हुई होगी जो बहुत सेकियाँ मारते हैं। जैसे भाई, ये ब्रांडेड शू है, 5000 का ख़रीदा है मैंने इसे, 3000 की शर्ट है, मतलब आप पूछ भी नहीं रहे फिर भी वह आपको बके जा रहे हैं। ऐसा करके वह आपको लुक डाउन करना चाहते हैं और आप हो भी जाते हैं। अब सोचो, वह अगली बार और भी ज़्यादा शेकी मारेगा क्योंकि आप उसको न्योता दे रहे हो, और इसमें लुक डाउन होने की क्या ज़रूरत, जो आपके पास है वह आपका बेस्ट है। ज़रा सोचो, क्या वह व्यक्ति अनिल अंबानी या बड़े बड़े पैसे वालों के सामने शेकियाँ मार सकता है? वह क्यों नहीं मार सकता, क्योंकि वह उससे भी ज़्यादा बेस्ट और महंगे कपड़े पहनते हैं जो वह सोच भी नहीं सकता है। तो दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है, उनको बोलने दो आप अपने में बेस्ट हो, कभी भी लुकडाउन ना हो, कभी भी नहीं। अब कभी कभी लोग जब बुरा कमेंट करते हैं, जैसे कि तुझसे नहीं हो पाएगा, तेरी बस की नहीं है, अच्छे अच्छे नहीं कर पाए, तू क्या चीज़ है भाई, तो आप अपने कान बंद करके उसको सुनो। आपको ऐसा लगेगा कि वह आपको एनकरेज कर रहा है, उत्साहित कर रहा है। मैं आपको इसके लिए कहानी सुनाता हूँ। एक दिन मेंढकों की टोली जंगल के रास्ते से जा रही थी। अचानक दो मेंढक एक गहरे गड्ढे में गिर गए। जब दूसरे मेंढकों ने देखा कि गड्ढा बहुत गहरा है तो ऊपर खड़े होकर चिल्लाने लगे, तुम दोनों इस गड्ढे से नहीं निकल पाओगे, गड्ढा बहुत गहरा है, तुम नहीं निकल पाओगे, तुम्हारी बस की नहीं है अब। उन दोनों मेंढकों ने शायद ऊपर खड़े मेंढकों की बात सुनी और गड्ढे से निकलने के लिए लगातार वो उछलते रहे। बाहर खड़े रहकर मेंढक लगातार कहते रहे, तुम दोनों बेकार हो, बेकार में मेहनत कर रहे हो, तुम्हें हार मान लेनी चाहिए, तुम दोनों से नहीं हो पाएगा, तुम नहीं निकल सकते। गड्ढे में गिरे दोनों मेंढकों में से एक मेंढक ने ऊपर खड़े मेंढकों की बात सुन ली और उछलना छोड़कर निराश हो गया और एक कोने में बैठ गया। दूसरे मेंढक ने अपनी कोशिश जारी रखी, वो उछलता रहा जितना वो उछल सकता था। बाहर खड़े सभी मेंढक लगातार कहते रहते थे कि तुम्हें हार मान लेनी चाहिए, वो शायद उनकी बात सुन ही नहीं पा, और वो उछलता रहा और उछलता रहा और अचानक से ऐसी उछाल मारी कि वो बाहर आ गया।
और बाहर आने के बाद अपने हाथ सफा करके बोलता है, दोस्तों मैं आपका बड़ा ही शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी हिम्मत बनाई, मैं बहुत ही आपका थैंकफुल हूँ। उन मेंढकों ने आपस में एक दूसरे को देखा, फिर उस मेंढक से बोले कि हमने तुझे कब एनकरेज किया, हमने तो तुझे हमेशा डिस्करेज किया। वो मेंढक सुन नहीं सकता था, इसलिए उसने उनकी बात नहीं सुन पाई। और जब वो चिल्ला रहे थे तो उस मेंढक ने सोचा कि ये मेरी हिम्मत अफजाई कर रहे हैं, मेरे को इनक्रेज कर रहे हैं, क्योंकि वो मेंढक उनको देख तो रहा था पर उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, इसलिए उसे लगा कि वो उसकी तारीफ़ें कर रहे हैं और उसको इनक्रेज कर रहे हैं। वैसे ही आपको ऐसे लोगों के लिए अपने कान बंद कर लेने चाहिए और उनकी बातों को ऐसे लेने चाहिए जैसे कि वो पॉजिटिव आपके लिए बोल रहे हो। चैनल में नए हैं और आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द पहुंच सके।